कमल का दामन थामने के बाद चंपाई सोरेन लगातार कुल्हान का दौरा कर रहे हैं और इसी के तहत सरायकेला पहुंचने पर चंपाई सोरेन का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर है। देखिए इस रिपोर्ट में। सरायकेला में कुल्हान टाइगर की दहाड़। झारखंड में अब की बार एनडीए की सरकार। कहा झारखंड में परिवर्तन की लहर। ऐतिहासिक परिवर्तन का लहर है। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामने के साथ ही मिशन कोल्हान में जुट गए हैं। झारखंड में कमल खिलाने को लेकर लगातार कोल्हान का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत कोल्हान टाइगर सरायकेला पहुंचे, जहां उनके स्वागत में जन सैलाब उमड़ पड़ा। चंपाई सोरेन सरायकेला के बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। ऐसे में घुसपैठियों से लड़ाई सिर्फ बीजेपी में रहकर ही लड़ी जा सकती है। जो बांग्लादेशी घुसपैठ देश जटिल मुद्दा है, वो दूसरा राजनीतिक दल से उस सवाल को नहीं उठा जा सकता है। इसीलिए हम अपना मन में मंथन करके निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में रह के हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को इससे पहले चंपाई सोरेन ने खरसावा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सांसद विजय बाघेल और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा भी मौजूद रहीं। न्यूज 11 भारत के लिए सरायकेला से मनोज कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।